Is that true? Really? What? Okay, for me, well, it took me like, I would say one day to be able to like understand and process that Ashvi is not only visiting India, but will be starting in a Bollywood movie. It was like making two dreams in one, so definitely it took me some time to process it and understand, wow, this is, I feel very blessed. Because this year has been a life-changing experience for me. And I think that that's something very important, because in life, there's full of changes, but you have to be willing to take risks to be able to build your future. So I am very happy and very honored with the opportunity. Thank you so much, Khalid, for seeing that potential in me. And I promise you all that I'll do my best. मैंने भी कह रहे पुलिस की ड्रेस में कोई वो है क्या पिक्चर, मैं कह रही नहीं है, फिर मुझे याद आया शायद एक आध हो तो वो आईपीएस की ड्रेस में थी, तो कह लगी तो चलेगी नहीं, तो मैंने कहा मत छापो मेरा फोटो, तो कहने लगे कि नहीं ऐसा, तो अभी उन्होंने कुछ जोड़ तोड़ करके कुछ बनाया है, मुझे डर ये है कि फिल्में भी ऐसे ना कर ले मुझे बिना बुलाए कैरेक्टर करवा ले किसी और से चेहरा मेरा लगा ले तो गड़बड़ हो जाएगी क्या। हाँ नहीं मैं देखते हैं, तो एक्चुअली मैं तो इनसे बात कर रहा था किसी और प्रोजेक्ट के बारे में, इन्होंने ये बना दिया हाथ में, तो चलो भाई ये तो रास्ते की बात है अपनी जैसा जैसा, क्योंकि एक फिल्म हम साथ में कर चुके हैं ओम प्रकाश जिंदाबाद, ओम जी को याद करते हुए उनको नमन करता हूँ मैं, हमारे सीनियर बहुत सीनियर थे नसीब भाई और ओम जी की बैच के लिए नसीब थे, तो देखिए मज़ा आएगा कुछ काफ़ी अच्छा सा महसूस हो रहा है। I have been here for Ashley. She's a very good friend of mine. Earlier, I don't know Khalid sir, Manish sir, and everyone. I was not aware about the movie. It was a surprise for me. And so yeah, I'm here with Ashley, and they asked me about the movie as well. So now I'm thinking for it. I will not say any words yet, but let's see and hope for the best. Ooh la la la! So ऐसे कमाइएगा? नहीं नहीं टाइटल है और सेटलमेंट डेफिनेटली और एक फील है थ्रिल की, बट हम इसके अंदर शायद ये भी एक सरप्राइज ही होगा, थ्रिल अपनी जगह पे है और एंटरटेनमेंट अपनी जगह पे है, तो बहुत सारे छोटे छोटे से कैरेक्टर्स हैं जो बहुत रिलीफ देते हैं, एंड अभी तक मनीष भाई को और खालिद भाई जो कि यहाँ पे नहीं थे काफी टाइम से बीच में, कल हमने फर्स्ट हाफ का नरेशन किया एंड दे वर वेरी हैप्पी एंड वी वर ऑल वेर लाफिंग लाइक नथिंग, तो कहानी अपनी जगह पे चल रही है, थ्रिल अपनी जगह पे चल रहा है, मैसेज अपनी जगह पे चल रहा है, बट एंटरटेनमेंट इज देयर। फिल्मों में टिपिकल टाइप के विलन होते थे, लुक होता था, फिजिक्स होती थी, बॉडीज होती थी, आज इंटरनेट का जमाना है, क्राइम का तरीका बदल चुका है, आपकी फिल्म की हीरोइन तो बहुत खूबसूरत है, विलन कैसा होगा सर? विलन सर जैसा कि मनीष भाई ने बोला अभी कि जो यंगस्टर्स हैं वो टेक्निकली हमसे बहुत ज्यादा अपग्रेड है, एंड अभी इट विल बी टू अर्ली टू रिवील कि विलन कैसा होगा, बट मैं आपको इतना बताऊं कि जो मतलब इमेजिनेशन के बियॉन्ड जाके वो जो चीजें कर रहा था, हम सोच नहीं सकते हैं कि डेली की उसकी इनकम कितनी और कितना बड़ा उसका नेटवर्क था जिसको इन्होंने पकड़ा, और सरप्राइज मेरे लिए भी था जब मैंने इनसे सुना ये कि ही वॉज जस्ट 22, उसको 7 months के लिए फिर लास्ट में किस तरह से सजा मिल गई, एंड ही वॉज हैंडीकैप विथ वन लेग, बट बाय माइंड जैसे हम बोलते हैं ना कि डिफरेंटली एबल्ड, तो कुछ ज्यादा ही डिफरेंटली एबल्ड है वो,
हरीश साहब एक सवाल आपसे भी बन रहा है, जैसे कि जाकिर साहब ने बताया कि उनको नहीं पता था कि इस तरह का पिक्चर उनका आने वाला है। आज एआई का जमाना है, छोटे छोटे हम लोग देखते हैं कि ऐसा चोरी होता है, उनका कभी बैठ जाते हैं आगे नहीं बढ़ते हैं, फिर पसंद की कमाई हमारा कोई भी ले लेता है, तो इट्स ए बिग मिशन। अभी तक जो मेरा मिशन था वो 140 करोड़ लोगों के लिए था, भारत के लोगों के लिए, लेकिन थैंक्स टू खालिद सर एंड अवर टीम कि अब ये मिशन ग्लोबल मिशन हो गया है जो 600 करोड़ लोगों के लिए हो गया है, क्योंकि इसमें एक छोटे बच्चे से लेकर यानी कि 4 साल के बच्चे से लेकर और 70 साल तक का इंसान प्रभावित हो गया, उसका पैसा लेकर गया, उसको पता भी नहीं लगता है कि हम जाए कहाँ पर, तो बस उसी के साथ एक एक्सपीरियंस शेयर किया जा रहा है जिससे लोगों की जहाँ तक हेल्प कर सकते हैं वहाँ हेल्प करें, और जो लोग कुछ गलत रास्ते पे हमारे परिवार के लोग निकल गए उनको सही रास्ते। मनीष जी, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगी कि वो कब, वो कौन सा यू नो इंसिडेंट था जब तमाम लोगों का, और आपको ये जानकर हैरानी हुई, मुझे कुछ नहीं पता मैं क्या करने वाला हूँ इसमें, क्योंकि मुझे अभी तक कुछ नहीं मालूम। परसों इनका फोन आया तो कहने लगे कि ऐसे ऐसे अनाउंसमेंट होगा तो आपको आना है, मैं आ जाता हूँ। मुझे लगा मैं शायद दोस्त हैं इसलिए बुला रहे हैं, तो कहने लगे फोटो भेज दीजिए। मैं कह रहे फोटो क्यों भेज दूँ, कहते आपकी तस्वीर लगानी है। तो मैंने कहा आप मुझे ले रहे हैं क्या फिल्म में, तो कहते और क्या, तो ये बोलो ना कि आपको फिल्म में कास्ट कर रहे हैं एक एक करके। कभी कुछ तो मुझे ज़रा भी नहीं मालूम स्क्रिप्ट के बारे में, और मैं तो ऐसे ही घर पे बैठा हुआ था, ऐसे उठ के आ गया, देखते इतने ब्यूटीफुल गर्ल्स हमारे बीच में, उनके सामने मैं कैसा लग रहा होगा, मैं सोच ऐसा। तो खैर कोई बात नहीं, ऑल द बेस्ट फॉर दिस ब्यूटीफुल अनाउंसमेंट। हमारे प्रोड्यूसर साहब को, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर राइटर साहब, उनसे डायरेक्ट हमारा रिश्ता नहीं है, लेकिन हाँ प्रोड्यूसर साहब जो हैं ये भी यूपी के हैं, मैं भी यूपी का हूँ, उनको प्रोड्यूसर भी यूपी के हैं, साइबर मैन भी यूपी के हैं, और अनिल साहब से, राकेश जी से जो रिश्ता है वो अनीस बज़मी साहब की वजह से कॉमन है, मिला मैं आज हूँ उनसे पहली बार। लेकिन हाँ एक दूसरे का काम देखते रहते हैं, करते रहते हैं, जब मिलते हैं तो एक दूसरे के काम की तारीफ करते हैं। बाकी यही है कि अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद मुझे पता लगेगा मैं क्या गेम खिलाने वाला हूँ इसमें, मुझे मालूम नहीं है, मुझे माफ करिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये मिशन है और एक कॉमन मैन जो हमेशा यही सोचता है कि मैं क्या करूँ, सबसे पहले पैसा निकलता है, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, रोऊंगी या नहीं रोऊंगी, क्योंकि रोने में भी उसे ये लगता है कि मेरे अपने मजाक बनेंगे यार, ये तो हमारी फैमिली में सबसे बड़ा था, हम इसी से एडवाइस लेते थे और इसी का पैसा निकल गया, ये यही स्कैम में फंस गया तो क्या होगा, तो इसलिए वो ज़्यादातर लोग आजकल शेयर नहीं करते। इसको मैं दो लाइनों में ऐसे बताना चाहूँगा कि आजकल का जो यूथ है वो सबसे ज़्यादा लाइक और शेयर के पीछे भागता है, लेकिन लाइक और शेयर की दूसरी डेफिनेशन भी है, लाइक को लोग समझते हैं ठेंगा, जिससे पहले लोग चिढ़ते थे आज उससे खुश होते हैं कि ठेंगा दिखाया, मतलब वो हमें लाइक कर रहे हैं, और शेयर का मतलब होता है आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। एक मतलब और भी है, लाइक का मतलब होता है जो अच्छा होता है हम उसे लाइक करते हैं, और जो हमें यहाँ अच्छा लगता है उसे हम शेयर करते हैं। कि यदि आपके साथ कुछ भी हो रहा है तो प्लीज़ उसे शेयर ज़रूर करिए, आपके अपने आपके पास बैठे होते हैं, दूर नहीं बैठे होते हैं, और हम उन्हीं से छुपाते हैं। और एक कॉमन मैन की सोच की जो लोग सोचते हैं कि हमारे साथ अगर स्कैम हो रहा है तो पुलिस, मीडिया या राजनीतिक लोग हमारी वही मदद कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि देश के लिए किसी वर्दी की ज़रूरत नहीं है, आप जिस लिबास में जहां खड़े होते हैं देश के लिए कार्य कर सकते हैं। अभी फिल्म के बारे में काफ़ी कुछ आपको पता लग गया है, और जैसा कि टाइटल है वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है, बट मैं अपनी फीलिंग अगर आप लोगों के साथ शेयर करूं तो मुझे जिस वक्त इन्होंने एक आइडिया बताया खालिद भाई ने
तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसके अंदर एक सोशल मैसेज है, और जब भी किसी के साथ में साइबर क्राइम का कोई भी शिकार होता है तो वाकई वो बहुत हेल्पलेस होता है, उसको नहीं पता होता है कि अब मैं क्या करूं और कहां ढूंढूं अपना पैसा। तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है और बहुत सारी चीज़ें हम फिल्म के ज़रिए बताना चाहते हैं आम पब्लिक को कि उनका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, सेकंड क्या होना चाहिए, थर्ड क्या होना चाहिए, और डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स के साथ में ये चीज़ें हो रही हैं और वन बाय वन हम ऑडियंस को कैसे वो चीज़ें बताते हैं। हालांकि खालिद भाई और हम लोग पिछले 2 साल से 3 साल से कोशिश कर रहे थे कि कुछ सब्जेक्ट्स उनके थे, कुछ मेरे पास थे, बट हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि कहाँ से हमको शुरू करना है, और वो चीज़ मनीष जी ने सॉल्व कर दी। जब उन्होंने वो कॉन्सेप्ट बताया तो मुझे लगा कि यार ये माइंड ब्लोइंग है, इसके ऊपर हमको वो ऐड करना चाहिए। एंड आई थिंक आज जो हम लोग सब मिले हैं वो सिर्फ अनाउंसमेंट के मिले हैं, उनके लिए मिले हैं, और इससे ज़्यादा मुझे लगता है कि स्टोरी के बारे में कुछ भी बोलना इट विल बी टू अर्ली। सो थैंक्स फॉर कमिंग, एंड बस आप लोगों की सबकी हमको ब्लेसिंग्स चाहिए कि एक अच्छी फिल्म हम लोग बना सकें और जो मैसेज हम देना चाहते हैं वो क्लियर कट हम कन्वे कर पाए। थैंक यू सो मच। साइबरमैन मनीष जी जो है वो हमारे इस स्टेट से आते हैं, उत्तर प्रदेश से, और अननोन तरीके से ये पिछले 7-8 सालों से काम कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें कहीं मुलाकात हुई और उनके बारे में पता लगा। बहुत शाइन है मनीष जी, उन्होंने कभी जिक्र नहीं किया, लेकिन अचानक किसी सिलसिले में बातचीत हुई और कल पता लगा कि असली साइबरमैन का टाइटल इनको ही मिला हुआ है, और पास रहते हुए मैंने ये मालूम किया साइबरमैन असली साइबरमैन ही नहीं है। तो थॉट वहाँ से आया। आज की डेट में हम जिस जानते हैं या सुनते हैं कि हिंदुस्तान का हर चौथा आदमी आज साइबर फ्रॉड से जो है मतलब फेस कर रहा है, और अलग अलग तरीक़ों से जो है वो फ्रॉड होते हैं और लोग परेशान हैं, लेकिन उस सबके लिए उन्होंने कितना स्ट्रगल किया होनी चाहिए, वो एक इनकी अपने आप में एक थ्रिल स्टोरी सुन सकते हैं कि वो थ्रिलर टाइप के वो एटमोसफियर की जिंदगी गुजरी। तो हमें आइडिया है कि ये काम क्योंकि पब्लिक में आना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, बिना अवेयरनेस के रेस सारे पार्ट को रोका नहीं जा सकता, जिसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बहुत लोग इसलिए ऑफिसर्स और लोग आम आदमी भी इसके लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि तो किसी तरह से इसको रोका जाए और अवेयरनेस की जाए जिससे कि लोग समझते हैं। तो देन वन बाय वन मिलते जाते हैं लोगों का दावा होता जाता है। तो मनीष जी के साथ में हाथ ज्वाइन किया और देन फिर इसके ऊपर उसके फिल्म के साथ काम शुरू किया, और राकेश जी क्योंकि हमारे बहुत पुराने हमारे सीनियर भी थे तो उन्हीं को हाथ में कमान दी गई। ये सरप्राइज था मेरे लिए एक्चुअली बस कमिंग इन दुबई। तो लास्ट मंथ में दुबई में था, किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में गया हुआ था, और सडनली 22nd उनकी बर्थडे होती है, तो उस बर्थडे में हमें भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिला और साथ में शेयर किया, कुछ फीलिंग्स शेयर किए, उनकी भी एक्सपीरियंस शेयर किया। लेकिन वहीं से माइंड में आया कि क्यों ना अब तक हिंदुस्तान में बॉलीवुड में बहुत ही ब्यूटीज को जो है दिलों में बैठा रहा है, पब्लिक ने उठाया है, सबको उठाया है, और लोगों को शेयर किया जाए इसको भी, और इसमें टैलेंट है। और ये तो यहाँ पर आने के बाद ये डिसाइड कर लेते हैं उनको वन ऑफ द लीड कैरेक्टर के लिए, और ये पार्ट हो चुका है, एक मिशन है हम लोगों का ये साइबर फ्रॉड के अगेंस्ट में एक मिलकर के और एक मिशन हमारे तैयार किया है कि हम लोग इसमें जाएंगे और काम करेंगे, एक पार्ट होगी और हमारे साथ बढ़े आज यहाँ पर मौजूद है, और हमारे खास सीनियर और हमारे बहुत दिल अजीज साकिर भाई जो ज़माने से हमारे मतलब साथ हैं, हमारे बहुत
मेहनत की है उन्होंने इंडस्ट्री में खड़े रहने के लिए। लास्ट फिल्म में भी जाकिर भाई वन ऑफ द लीड कैरेक्टर थे, उन्होंने अच्छे से दिखाया था और बहुत साथ दिया। एक और हमारे रीजन जिनको नहीं बोल सकते मैं ओमपुरी जी, ओमपुरी जी सीनियर और हमारे ऐसे गॉडफादर टाइप जिसने जिन्होंने हमें बहुत प्रोत्साहन दिया इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए। भाई की तरह काम किया उन्होंने और बहुत शुक्रिया। जैसे उन्होंने होती है कि जब वो फिल्म रिलीज होने के वक्त आया तो अचानक फिल्म डेथ हो गई और जो कि लास्ट वक्त ओम प्रकाश अग्रवाल के नाम से 2020 में उनके बीच में। तो नाउ आप फिर से हिम्मत कर रहे हैं, इतने लोग जुड़ते जा रहे हैं तो अब कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे चाहते हैं। दोनों काम हैं, सोशल में सोशल वर्क भी हो, पब्लिक को अवेयरनेस भी हो और एंटरटेन भी हो। बाकी आगे राकेश जी और मनीष जी बताएंगे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।